हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इंस्टाग्राम रील पर वीडियो बनाते हैं तो उसमें क्या क्या कमियां हैं जो अभी तक इंस्टाग्राम ने ठीक नहीं हुई। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इंस्टाग्राम तक पहुँचे और हम उस पर अच्छी तरह वीडियो बना सकें। तो वीडियो पर शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो तो नीचे आपको रेड बटन दिख रहा होगा तो रेड बटन ज़रूर दबाएँ, और साथ में आपको एक बेल आइकन आएगा उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपके सामने पहुँचती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, मैं आप लोगों के लिए, देखो, कोई इफेक्ट्स वगैरह यूज़ नहीं करता इस वीडियोज में, डायरेक्ट वीडियो लेके आता हूँ, इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ ताकि आप लोगों का अकाउंट ग्रो करा सकूँ इंस्टाग्राम का। मैंने टिकटॉक पर भी हेल्प करी है और अभी इंस्टाग्राम पर भी करूँगा। पहले मैंने इंडिया की काफ़ी ऐप ढूंढी जो टिकटॉक की तरह, लेकिन अभी तक कोई ऐसी ऐप नहीं मिली जो टिकटॉक की जैसी तो मिली लेकिन कोई सेफ नहीं मिली, जिसमें सेफ भी हो। तो मैं आप लोगों के लिए ढूंढ रहा हूँ कैसी ऐप जो बिल्कुल क्या हो, सेफ भी हो। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आप लोगों के लिए एक सेफ ऐप ज़रूर ढूंढूंगा जिसके अब तब तक आप इंस्टाग्राम पर आप वीडियो बना सकते हैं। आज मैं बताऊंगा इंस्टाग्राम की वो कमियां जो इंस्टाग्राम को दूर करनी चाहिए अगर आप रील यूज़ करते हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें। तो सबसे पहले बड़ी बात है कि अगर आप इंस्टाग्राम पर किसी की रील्स में वीडियो देखते हैं तो आप उसको वहाँ से फॉलो नहीं कर सकते। आपने देखा था कि टिकटॉक में तो प्लस का साइन था, आप साथ साथ फॉलो कर सकते थे, लेकिन इसमें आप डायरेक्ट फॉलो नहीं कर सकते। सेकंड थिंग, अगर आप इंस्टाग्राम रील्स पर वीडियो बनाते हैं तो वो आपके फॉलोअर्स को दिखाई जाएगी। हाँ जी, ऐसा नहीं है कि आप रील्स पर वीडियो बनाते हैं तो उसमें तो फॉर यू पे जाती थी, बल्कि आपके फॉलोअर देखे ना देखे लेकिन और लोगों के पास आपकी वीडियो जरूर जाती थी। लेकिन इसमें सिर्फ क्या, पहले आपके फॉलोअर्स के पास जाएगी, अगर उन्हें अच्छी लगी तो इंस्टाग्राम उसको आगे की तरफ फॉरवर्ड करता है। तो ये दूसरी इसकी कमी है। तीसरी जो रील्स की कमी है वो क्या है, आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, उसकी रिपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि उस वीडियो को साउंड यूज़ करना तो आप वीडियो की साउंड यूज़ नहीं कर सकते अभी। हाँ जी, आप रील्स में आप चाहो तो आप अपनी वीडियो को देख सकते हो, सारी चीज़ कर सकते हैं, लेकिन किसी साउंड पर वीडियो बनाना चाहते हो तो वो अभी पॉसिबल नहीं है। अभी अपडेट चल रहा है, मे बी ऑप्शन आ जाए, लेकिन अभी तक ये ऑप्शन नहीं है। फोर्थ ऑप्शन, आप एनालिटिक चेक नहीं कर सकते। आपको पता है जो टिकटॉक में एनालिटिक होता था उसकी हेल्प से हम अपने अकाउंट को ग्रो करते थे, काफ़ी चीज़ें देखते थे कि कितने लोग हमारे प्रोफाइल को चेक करते हैं, किस टाइम हम वीडियो डाले, क्या क्या वीडियो डाले, कैसा कंटेंट डाले, या फिर कौन कौन सी कंट्री से आके आपकी वीडियो देखते थे। लेकिन इंस्टाग्राम में अभी रील्स में ऐसा ऑप्शन नहीं आया है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स है, और मैं जो भी ड्रॉबैक्स बताऊँगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट वाली, ये आप देखोगे सुनोगे तो इतनी बड़ी गलती, इतने बड़े बड़े इंजीनियर बैठे हुए हैं उनसे ये बड़ी गलती कैसे हो सकती है, लेकिन फिर भी ये गलती हो रही है अभी तक। आपने अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, और मुझे कमेंट में आप जिस बारे में वीडियो चाहते हैं मुझे ज़रूर बताएं, मैं उस बारे में वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। आप लोगों की हेल्प करने के लिए पूरा तैयार हूँ, पूरे हेल्प करूँगा। तो जो लास्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो ध्यान से सुने, जो लास्ट है वो है कि अगर मान लीजिए अगर आपने रील्स में वीडियो बनाई, आप फ़िल्टर्स वगैरह नहीं लगा सकते, उसमें फ़िल्टर्स नहीं है, इफ़ेक्ट्स ज़रूर है। आप इफ़ेक्ट यूज़ तो कर लेते हो लेकिन इफ़ेक्ट से आपके फ़िल्ट्रेशन में कोई चेंजमेंट नहीं आता। उसके बाद जैसे ही आप वीडियो को पोस्ट करते हो तो ठीक है, आपने ठीक है पोस्ट कर दी, उस पर व्यूज़ आएंगे कुछ जो भी आपके फॉलोअर है देखेंगे तो, लेकिन अगर आप उसे ड्राफ्ट में डाल देते हो, जी ध्यान से सुनिए, अगर आप उसे ड्राफ्ट में डाल देते हो तो वीडियो ड्राफ्ट में तो चलेगी, लेकिन ड्राफ्ट में डालने के बाद मान लीजिए आपने अगले दिन क्या किया, उस वीडियो को पोस्ट करने की सोची, आप उस वीडियो को पोस्ट करोगे तो पहले तो वो पोस्ट हो जाएगी, एक तो आप टैग यूज़ करोगे, हैशटैग यूज़ करोगे, उनका भी कोई लॉजिक नहीं है इंस्टाग्राम पे, कि जैसे टिकटॉक पे तो आप टैग यूज़ करते थे उससे व्यूज़ बढ़ते थे, लेकिन इसमें शायद अभी ऐसा कुछ नहीं है, आप टैग यूज़ ना करो व्यूज़ पर कोई इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन मैं और सर्चिंग कर रहा हूँ आप लोगों के लिए बताता रहूँगा। तो जो मेन ड्राबैक जो इंजीनियर ने छोड़ रखी, आप अगर ड्राफ्ट की वीडियो डालते हो तो वीडियो तो पोस्ट हो जाएगी लेकिन वो वीडियो ड्राफ्ट में भी फिर से रहेगी, आप उसे दोबारा भेज सकते हो पोस्ट कर लो, मतलब ड्राफ्ट की वीडियो ड्राफ्ट में से डिलीट नहीं होगी। टिकटॉक पे क्या होता था कि आप ड्राफ्ट की वीडियो क्या करते थे, देखने के बाद जैसे आपने पोस्ट करी वो ड्राफ्ट में से हट जाती थी, लेकिन इसमें ड्राफ्ट में भी रहती है और वीडियो पोस्ट भी हो जाती है, तो आप बार बार उसको पोस्ट कर सकते हो। ये अभी मेन इंजीनियर्स ने बहुत बड़ा ड्राबैक कर रखा है। तो ऐसी ऐसी खबरें जो भी आपके लिए इंटरेस्टेड है जिससे आपका अकाउंट ग्रो हो इंस्टा का, तो मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पर, इंस्टा की आईडी मेरी सेम है, दिया 0786। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, मैं आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। ओके गाइज, थैंक यू, टेक केयर।